हेलो एंड वेलकम बैक टू टूर स्कूल मेंटर्स और दोस्तों फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्जाम फाइनली आज आपका हो गया और आई होप कि आप सबने अच्छा एग्ज़ाम किया होगा अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा अकाउंटेंसी uh, का जो पार्ट था उसमें सिंपल टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए थे तो uh, एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप अपने जो आंसर्स आपने दिए होंगे उसको क्रॉस चेक कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं पहला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जो मेरे पास uh, आया था पेपर उसके हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एर ऑफ प्रिंसिपल इसमें से कौन सा है जो एर ऑफ प्रिंसिपल में नहीं आता तो सीधा आंसर दे रहा हूं कैश सेव फ्रॉम मीना क्योंकि बाकी जितने भी हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आते हैं आप सबको पता ही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाइस वैसा दिखाना दैट इज एर ऑफ प्रिंसिपल फॉर यू दूसरा इसके बाद सिक्स क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर चेकिंग चेक अर्थमेटिकल एक्सीुक्स अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम कौन सा जो है मेथड यूज करते हैं तो वो है ट्रायल बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस बनाकर

इन द सचुएशन ऑफ बैंक स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबाव कॉम स्टॉक आगे पेज कट गया हुआ है तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा लेकिन इसका आंसर दे देता हूं कि प्रेफर्ट स्टॉक उसको कहते हैं वट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले और अनाउंस बाय द गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट कितना अनाउंस किया गया गूगल कर लो भाई मैंने भी वही किया इलेवन पॉइंट इलेवन लैक द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉ फ्रॉम मेबर बाय नॉन प्रोफिट ऑर्गेनाइजनी इन uh, उसको हम कहां दिखाते हैं शो उसको विच ऑफ दिखाते हैं तो उसको हम इनकम एंड अकाउंट में दिखाते हैं और क्रेडिट साइड में दिखाते हैं क्योंकि में जो पेमेंट के लिए एडिशनल डेज दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं तो अभी हाल ही में ए, कुछ दिन पहले मैंने एक टॉपिक करवाया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज और उसमें मैंने बताया था उनको कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस बढ़ते हैं आप अपने अगले एमसीक्यू की तरफ विच ऑफ द फॉलिंग इज रेवे एक्सपेंडर फॉर एन ऑफिस इक्विपमेंट क्वेश्चन नंबर थर्टीन कौन सा इसमें से जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सेल प्रमोशन कॉस्ट ये भी रेवेन्यू है वेयर हाउसिंग एक्सटेंशन ये कैपिटल एक्सपेंडर है परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर सेल ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है परचेज ऑफ डिलीवरी बॉय ये कैपिटल है तो so, पहला और तीसरा तो so, पहला तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आंसर में बी उंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग दिटिंग कपैसिटी इन 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 इनेमा हॉल सीटिंग कैपिटी इंक्रीज करने के लिए जो पैसा खर्च किया गया उसको क्या बोलेंगे वन टाइम एक्सपेंडर है दैट इज कल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल अमाउंट ऑफ डेपिसड कैन एक्सड इस डेप्रिशियबल वैल्यू जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा तो डेप्रिशन हो ही नहीं सकती इन पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द मैथी फ्रॉम लिफो मैथड टूफो मैथड विल कॉस इसको जरूर आप क्रॉस चेक कर लेना आंसर की के साथ मेरे हिसाब से इसका आंसर डी आना सॉरी uh, बी आना चाहिए बी इज द राइट आंसर फिर भी एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना आ, इस क्वेश्चन को ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन थर्टी जनवरी फॉर वन मंथ विल बी 30 जनवरी को हमने एक बिल बनाया एक महीने की ड्यू डेट निकालनी है मैं तो देख लेते हैं 30 जनवरी से एक महीना कब खत्म होगा फेब्री में 28 दिन होते हैं 28 फेब्री ठीक है प्लस थ्री डेज ऑफ ग्रेस तो तीन मार्च इसकी क्या बनेगी ड्यू डेट हाँ इन केस अगर लीप ईयर हो जिसमें 29 डेज हैं तो 4 मार्च भी बन सकती है अब 2011 है पता नहीं कितने दिन थे बट कैलकुलेशन इस तरह से करनी है अगर 28 फरवरी है तो तो तीन दिन ऐड करके तीन मार्च बनेगी लेकिन अगर उनतीस दिन होते हैं अब 2011 में कितने थे मुझे नहीं पता है भाई तो वो देख लेना तो उसमें तीन दिन ऐड करके चार मार्च बनेंगे तब हमारा डी आंसर रहेगा तो ये आप जरा चेक कर लेना इसको ठीक है नेक्स्ट लास्ट स्टेप डैश इज लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा लास्ट स्टेप है दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सी इज द राइट आंसर बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू की तरफ द ओवरराइडिंग पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू समराइज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन ए बिजनेस इन जो ओवरराइडिंग पर्पस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो क्या है प्रॉफिट लॉस लास्काउंट बनाना भी है बैलेंस शीट भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है इसलिए ऑल ऑफ द बब रहेगा डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट हम रिसीव करते हैं बायर ऑफ गुड्स ग्रांटेड डिस्काउंट बाय सेलर जो बायर होता है उसको कौन डिस्काउंट ऑफर करता है सेलर करता है इज द राइट आंसर व्हाट इज एन ऑपरेटिंग साइकिल द टाइम इट टेक कंपनी टू बाय गुड्स गुड्स खरीदना बेचना और कैश रिसीव करना इसी को हम क्या कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न बिजनेस एंटिटी शुड अज्यूम टू हैव कितनी लाइफ होती है ये बड़ी बार करवाया क्वेश्चन मैंने इनडेफिनेट लाइफ

ये जैसा भी हुआ अच्छा बुरा अब आपने हिम्मत नहीं छोड़नी और आने वाले एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन शुरू कर दो लेक्चर्स ऑलरेडी चल रहे हैं देखते रहे हैं। चैनल को लाइक कर ले सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर ले थैंक यू दोस्तों थैंक यू वेरी मच